नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। आइए हम आपको ले चलते हैं नजवा से 5 किलोमीटर दूर राहतपुर, जहां पर राजकीय पॉलिटेक्निक सपा सरकार में बना था, मगर सपा सरकार चली गई, उसके बाद भाजपा सरकार आई और 4.5-5 साल लगातार कॉलेज बने हो गए। आज तक सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया, मगर राजा भारतेंदु ने इस ओर इलेक्शन लड़ने की सोची और इस सब कॉलेज के लिए लखनऊ जाकर मंत्रियों से मिले और शीघ्र ही इस कॉलेज का शुभारंभ होने वाला है। ये पॉलिटेक्निक स्कूल कब बना था और क्यों वीरान पड़ा है? लगभग सर ये 7 से 8 साल हो गए इसे बने हुए। हाँ। और कोई भी प्रक्रिया इसमें चालू नहीं हो पा रही है और ना ही ये इसमें ये बिल्कुल जब से बना तब से बंद ही पड़ा है। ये सपा सरकार बना था? सपा सरकार में, हाँ लगभग सपा सरकार में बना था ये, लगभग 7 से 8 साल हो गया। तो चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ चालू। और यहाँ पे लगभग क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पॉलिटेक्निक करने के लिए बिजनौर जाना पड़ता है, तो अगर ये चालू हो जाएगा तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा वो होगा भविष्य। कोई सरकार इसकी सुनवाई नहीं कर रही? कोई सरकार इसकी सुनवाई नहीं कर रही। जब सब ये तो सरकार का पैसा केवल वेस्टेज है, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार का पैसा वेस्टेज है, क्योंकि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। सरकार की इतनी संपत्ति लगी पड़ी है और ये चल ही नहीं पा रहा है। बच्चों को इधर आधा जाना पड़ रहा है, कभी कोई बिजनौर जाएगा, कभी कोई कोटद्वार जाएगा, कभी कोई मेरठ जाएगा, तो ऐसे पैसे लगने से क्या फ़ायदा हुआ? जी क्या नाम आपका? सुभाष है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चांद बास्ट के पास गांव पड़ता है। अब यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ स्कूल की चौकीदारी। क्या नाम है स्कूल का इसका? राजकीय पॉलिटेक्निक। राजकीय पॉलिटेक्निक जी। ये चालू है बंद है? बंद है जी। कितने साल से होगा आप यहाँ? 4-5 साल। तब से बंद ही पड़ा? हाँ जी बंद ही पड़ा, चालू नहीं हुआ। नहीं जी। सरकार की तनख्वाह से आप कहाँ से मिलती है आपकी तनख्वाह? ठेकेदार देता है जी। कौन है ठेकेदार? क्या नाम है? हरियाज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर। राहतपुर में मंडावली के बिल्कुल पास आपने देखा होगा हाईवे पे 5 एकड़ जमीन पर एक खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है जो कि आहिस्ते आहिस्ते खंडर बनती जा रही है। ये पॉलीटेक्निक है जो कि करोड़ों रुपए की लागत से सरकार ने बनाया है। इसमें थोड़ा सा स्टाफ आ जाए, जो यहाँ पे तमाम पिछड़ी आबादी है, जो पिछड़े लोग हैं, उनके बच्चे अपने हुनर को और बढ़िया बना लें, उनकी आमदनी और बढ़ जाए। इस तरफ ध्यान विधायक जी का है नहीं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से मिला था ताकि इस पे गौर हो सके, तो अब वो फाइल मंगवाई गई है और बहुत जल्दी मुझे मंत्री जी ने वादा किया है कि वो बहुत जल्दी आके ये बने बनाए कॉलेज को जल्दी से इसके जितने भी कम से कम रिपेयर करवा के और इसे शुरुआत करने की पहल की गई है। उस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला था, उन्हें पत्र भी सौंपा था और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, पारिवारिक मित्र हैं हमारे जतिन जी, तो वो निश्चित रूप से इसे प्राथमिकता पर करवाएंगे।